कांग्रेस ने जिस प्रकार से वातावरण बनाया, चाहे पुराने कानून लागू हो, पर ये जो वातावरण बनाया उन्होंने, ये लोगों को भ्रम की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया, और खास करके हमारे यहाँ के अल्पसंख्यकों को। और उनको ये बताया गया कि आपको तो देश से निकाला दिया जाएगा और आपको रिफ्यूजी कैंप में डाल दिया जाएगा और आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। मैं खुद एबीवी में रहा हूँ, मैंने केबीवी में काम किया। एबीवी जितनी छात्र संगठन, इतना बड़ा छात्र संगठन है पूरे देश में, वो उसका पहला जो वाक्य है चरित्र निर्माण करना, देश के लिए काम करना। तो जो मूल उसका मंत्र है, उस मंत्र में एबीवीपी हम सबको यही सिखाती है, टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे पर कार्रवाई करना, इसका हम समर्थन नहीं करते। आप माफिया क्लब कार्रवाई करिए, पर आप बीजेपी का कार्यकर्ता है उसको परेशान करना, उसके छोटे छोटे अगर कहीं निर्माण कार्य है तो उसको परेशान करना। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, स्वागत है आपका टैलेंटेड इंडिया की इस खास पेशकश में। और आज हमारे साथ एक खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं इंदौर से सांसद शंकर लालवानी जी, जो देश के सर्वाधिक मतों से जीतने वाले सांसदों में से एक भी हैं, सिंधी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद में एकमात्र सांसद भी हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। अलग अलग पदों पर, अलग अलग भूमिकाओं में हमेशा भारतीय जनता पार्टी में शंकर लालवानी जी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। और आज उनसे चर्चा इसलिए भी जरूरी बन पड़ती है क्योंकि जहां देश में लगातार 2019 में कई सारी उपलब्धियां बीजेपी की सरकार ने हासिल की है, सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि दोबारा बीजेपी की सरकार बहुमत के साथ चुनकर आई है। ऐसे में सरकार का इन दिनों पक्ष क्या है और देश में जो हालात चल रहे हैं, जो स्थितियां बन रही है, उन स्थितियों पर बीजेपी के क्या विचार हैं, ये जानने की हम आज पूरी कोशिश यहाँ पर करेंगे। वैसे बहुत बहुत स्वागत भी है। ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक जो विजन है उसके तहत देश में कई सारे कानून हमने इस बार पास होते हुए देखे हैं। नागरिकता संशोधन कानून सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण विषय उनमें से एक रहा। क्या लगता है ये जो कानून पास किया गया है इसके बाद देश को क्या लाभ होगा, और खासकर वो अल्पसंख्यक जो भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रह रहे थे, किस तरह से उनके नागरिकता प्राप्त करने के रास्ते खुलेंगे? ये कानून तो महत्वपूर्ण है ही, पर इसके पहले दो कारण और महत्वपूर्ण हैं जिनका जिक्र भी होना चाहिए। एक धारा 370 जो कश्मीर से हटाई गई, वो वर्षों से हम मांग कर रहे थे, और जब से मैं राजनीति में आया हूँ, जनसंघ से लेके मैं सुनते आया हूँ, जहाँ हुआ बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो वर्षों बाद इस मांग को लेकर जो हमारी पार्टी के लोग, पूरा देश आंदोलित था, और कोई सोच ही नहीं सकता था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी इस प्रकार का कानून लाके धारा 370 हटाएंगे, तो एक अजूबा था पूरे देश में। और मुझे लगता है कि पूरे देश ने उसको स्वीकारा और आज कश्मीर बहुत आगे बढ़ रहा है। दूसरा तीन तलाक वाला मुद्दा था। तीन तलाक में भी हमने देखा किस प्रकार से जो वाकई में मुस्लिम समाज की हमारी पीड़ित महिलाएं हैं, वर्षों से मांग कर रही थी। और हमको मालूम है कि यहाँ इंदौर का शाबानो प्रकरण हुआ था जो वर्षों तक चला था, और कांग्रेस ने डिफीट खाई थी, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस किस प्रकार अल्पसंख्यकों की राजनीति करती है, उन्होंने इसका विरोध किया। और तीसरा ये समान जो नागरिकता संशोधन बिल आया, अब आप एक बताइए कि ये जो बिल आया, इसमें माननीय गृह मंत्री जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि इस बिल लाने से किसी का कोई आयत नहीं है। इस बिल लाने से वो पीड़ित लोग, वो प्रभावित लोग जो वर्षों से बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यहाँ धार्मिक प्रताड़ना के कारण सब कुछ अपना छोड़ के यहाँ आए और वर्षों से रह रहे, सिर्फ किसी कागजी कार्रवाई के कारण, कुछ छोटी मोटी कमी पेशियों के कारण उनको नागरिकता मिलने में समस्या आ रही थी, तो उन्होंने ये कानून लाकर उन लोगों के लिए एक नई सवेरा, नई रोशनी ले आए कि जो वर्षों से मांग कर रहे थे कि हमको नागरिकता मिलना चाहिए। और उसमें मुझे इस बात का समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के मित्र, उनके सहयोगी दल क्यों हल्ला मचा रहे हैं और क्यों गुमराह कर रहे हैं लोगों को। इसमें किसी का आहित तो ही नहीं। अब कोई पीड़ित है, कोई परेशान है, उनके लिए अगर कोई सरकार करती है तो कांग्रेस का पेट दुखता है। एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि आलोचना काफी ज्यादा सरकार की होती है। जब सरकार ने नोटबंदी की
तो अर्थशास्त्री जो रहे जो सुविधा से जुड़े हुए थे उन्होंने आलोचना की। जब जीएसटी आई तो कई सारे व्यापारी थे जिन्होंने आलोचना की। तीन तलाक पे भी यही हुआ, मुस्लिम समाज ने कहा कि ये हमें मंजूर नहीं है। और अब जब हम सीए की बात करते हैं तो भी कहीं ना कहीं नागरिकता संशोधन को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो ही रहे, ये आलोचना भी क्या प्रायोजित है? हाँ, देखिए आपने जिन बातों का जीएसटी हो, मैं व्यापारियों के बीच में रहता हूँ। आज व्यापारी वर्ग जीएसटी को लेकर बहुत खुश है और वो ये बोलता है कि जो इंस्पेक्टर राज था वो समाप्त हुआ, नाकों पे लाइनें लगती थी, नाकों पे जो था भ्रष्टाचार वो बंद हुआ, तो इस सब बातों को व्यापारी छुटकारा मिला और वो अब खुश है। तो मुझे लगता है कि जब लागू होता है कोई भी चीज तो थोड़ा नए सिस्टम में जाने में लोगों को वो होता है, लेकिन ये कांग्रेस ने जिस प्रकार से वातावरण बनाया, चाहे पुराने कानून लागू हों, पर ये जो वातावरण बनाया उन्होंने, ये लोगों को भ्रम की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया, और खास करके हमारे यहाँ के अल्पसंख्यकों को। और उनको ये बताया गया कि आपको तो देश से निकाला दिया जाएगा और आपको रिफ्यूजी कैंप में डाल दिया जाएगा और आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। मुझे बताइए, जो यहाँ का नागरिक है, जो यहाँ वर्षों से रह रहा है, उसको कौन निकालेगा? और ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि इसमें भी किसी भी अल्पसंख्यक का और अन्य का हित नहीं है, ये तो उन पीड़ित लोगों के लिए है जिनको। पर कांग्रेस और कुछ वामपंथी दल, ममता और मायावती भी और आप पार्टी के लोग देश में एक अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों में डर पैदा कर रहे हैं। मुझे लगता है ये अल्पसंख्यक अब धीरे धीरे समझ लगा है। मैं हाल ही के दिनों में शहर के प्रमुख अल्पसंख्यकों को से मिला था और उनसे बात की थी, यहाँ तक कि मैं खजराना में गया, खजराना में भी बहुत लोगों से बातचीत की, खास करके युवाओं से की, और उनके मन में जो प्रश्न थे वो प्रश्नों का जवाब दिया। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि जब मैं उनके साथ बैठता था, बात करता था, जब उनको पूरा विषय बताया, तब उनको लगा कि हमारे को तो बताया गया कि आपको तो निकाल दिया जाएगा, देश निकाला किया जाएगा और हमें भ्रम पैदा किया गया, लेकिन वो उस समय संतुष्ट थे जब पूरा विषय बताया। और उनको मैंने कहा इसमें किसी भी प्रकार कानून में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें आपको असुरक्षित महसूस करना पड़े। तो धीरे धीरे हम जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेके वार्ड का कार्यकर्ता जनसंपर्क निकला है, लोगों से मिल रहा है, बता रहा है। तो मुझे लगता है कि अब जिनके मन में कोई प्रश्न है, जिनके मन में कांग्रेस और उनके समर्थित दलों ने भ्रम पैदा किया, वो धीरे धीरे दूर हो रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये भ्रम पूरा दूर हो जाएगा। अच्छा, आप तो सांसद हैं और जब सदन में बैठते होंगे तो पक्ष विपक्ष के लोग आपसे मिलते होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मिलते होंगे आपसे, दो चीज आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की चर्चाएं हो रही है। जब हम प्रधानमंत्री को राष्ट्र को संबोधित करते हुए देखते हैं तो हम देखते हैं कि कई सारे विषय उनके मन में होते हैं, लेकिन जब अपने सांसदों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ उनकी बैठक होती है तब किस तरह की चर्चाएं होती है और क्या विजन प्रधानमंत्री का है इस आने वाले और साल को लेकर? दिन देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है और हम सौभाग्यशाली है कि इतने बड़े व्यक्तित्व, वो देश के नेता नहीं है, अब वो पूरे दुनिया के नेता है, वो पूरे दुनिया को एक नेतृत्व दे रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि जब लोकसभा चलती है और हर मंगलवार को जब हमारे सांसदों की बैठक होती है तो उनमें हमें उनसे मिलने का मौका मिलता है। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि वो सांसदों की समाज में क्या भूमिका होना चाहिए और वो इतनी चिंता करते हैं कि एक सांसद को सिर्फ राजनीति के अलावा भी समाज में किस प्रकार से काम करना चाहिए, किस प्रकार से एक सांसद की भूमिका होना चाहिए अपने क्षेत्र के प्रति, अपने आसपास के जो समाज के प्रति, बहुत बारीकी से समझाते हैं। और हम बहुत ध्यान से उनकी बातों को ध्यान रखते हैं क्योंकि उनकी छोटी छोटी बातें इतना बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं कि मुझे लग बताते हुए है कि हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी उनसे जो सुनी है और उन्होंने जो बताई है वो जब हम समाज में और अपने क्षेत्र में करते हैं तो एक उसका बड़ा इम्पैक्ट है, उसका बड़ा एक साउंड है, दूर तक जाता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को जब बताते हैं और बहुत छोटे छोटे लगता है छोटी बातें लेकिन उसका इम्पैक्ट समाज में बहुत बड़ा है, तो हम सब सांसद सीखते हैं और बहुत गंभीरता से उन बातों को लेते हैं। और ये बात सही है कि बहुत कुछ हमने को वहाँ जाने के बाद देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है और उनके अनुसार काम करने का मौका मिल रहा है।
इंदौर जो है वो देश का सबसे साफ शहर है, और निश्चित रूप से जब हम कहीं जाते हैं तो हमारी छवि इंदौर की छवि के रूप में परिलक्षित होती है। आपके इंदौर को लेकर भी क्या कोई चर्चाएं होती रहती है, या वे आगे रह के पूछते हैं कि इंदौर में कैसा चल रहा है? दिल्ली में चर्चा इंदौर को लेकर रहती है, दिल्ली में इसलिए रहती है कि दिल्ली में सभी पार्टी के लोगों की इंदौर को स्वच्छता को लेकर नंबर वन है, और जिस तेजी से इंदौर बढ़ रहा है उसको लेकर भी चर्चा रहती है। मुझे इस बात की खुशी है कि जो अर्बन डेवलपमेंट कमेटी में मैं हूँ उसके सभी दलों के सभी पार्टी के दलों के सांसद इंदौर आ रहे हैं, और इंदौर में स्वच्छता का जो काम हुआ है, स्मार्ट सिटी का जो काम हुआ है, और स्मार्ट जो अब सड़क बनी है, उन सब को लेकर वो 15 तारीख को पूरा दल इंदौर आ रहा है और वो पूरा देख भी रहा है। तो ये वाकई में हमारे इंदौर के लिए गर्व की बात है। सर, भारतीय जनता पार्टी में वैसे तो कई सारे युवा हैं, और लगभग ये कहा भी जाता है कार्यकर्ता युवा है, सरकार भी युवाओं की तरह काम है, लेकिन देश का युवा ही भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ विरोध करता है। चाहे हम JNU की बात करें, हम IIT कानपुर की बात करें, CA को लेकर जितना विरोध देखने को मिला शैक्षणिक संस्थानों में उतना शायद कहीं नहीं है। क्या लगता है ये जो विरोध है ये किस तरह का विरोध है, और क्या युवाओं को समझाने में नाकामयाब रही? नहीं, देखिए ये जो विरोध हो रहा है ये प्रायोजित विरोध है, और मुझे लगता है जिस प्रकार से इनपुट आ रहे हैं, जो जानकारियां मिल रही है उसमें स्पष्ट हो गया कि इनको बरगलाया गया है, इनको कंफ्यूज पैदा किया गया, और इनके बीच में कुछ शरारती तत्व जाके इस प्रकार की हरकत करते हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार आइडेंटिफाई कर रही है और उनको कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि जो छात्र रहता है वो तो पढ़ने के लिए जाता है और उसको सीधा संबंध पढ़ने से है। उनको नागरिकता के लिए देखो किसी जब स्पष्ट कहा गया है सरकार के द्वारा कि इस नागरिकता को लेके किसी का हित नहीं है, हम किसी पीड़ित को एक सुविधा दे रहे हैं, तो उसमें छात्र का क्या हित है? वो तो ऑलरेडी है कि नागरिकता भी पढ़ना पड़ता है, तो उसमें जिस प्रकार का वातावरण पैदा किया जा रहा है, मुझे लगता है थोड़े दिन में सबका चेहरा जो इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं उनका चेहरा समाज के सामने आएगा, और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले जो इस समाज में एक अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। JNU में जो हिंसा हुई रविवार के दिन, आरोप लगाए गए कि ABVP के कार्यकर्ता थे उसमें, क्या मानते हैं सच है आरोप या कहीं ना कहीं ये मुझे बताया ना कि ये आरोप तो निराधार है। ABVP में खुद ABVP में रहा हूँ, मैंने ABVP में काम किया, ABVP जितनी छात्र संगठन का बड़ा छात्र संगठन है पूरे देश में, वो उसका पहला जो वाक्य है चरित्र निर्माण करना, देश के लिए काम करना, तो जो मूल उसका मंत्र है उस मंत्र में ABVP हम सबको ये सिखाती है। तो मुझे लगता है कि ABVP को बदनाम करने के लिए, ये वातावरण खराब करने के लिए कोई भी ABVP का कार्यकर्ता इस प्रकार के कृत्य नहीं कर सकता, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। मतलब आने वाले महीनों में ही कहें यूं कि चुनाव है दिल्ली की, तो तारीख आ गई है उसका, अलग अलग राज्यों में धीरे धीरे चुनाव होंगे, 19 और 20 और 21 में लगातार चुनाव होना है, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बीते कुछ दिनों में हमने देखा है कि जहां जहां चुनाव हुए हैं किसी भी तरीके से, चाहे वहां सरकार पलटी हो लेकिन BJP की सरकार नहीं बन पाई, महाराष्ट्र है, झारखंड है, आने वाले दिनों में क्या परिणाम होगा? देखिए अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, झारखंड में हो, आपने देखा वोट परसेंटेज हमारा बड़ा है, लेकिन ये बस उतनी ही सही है कि हम जिस संख्या में आना चाहिए था उस संख्या में नहीं है, तो ये संख्या का गणित है सरकार बनाना, तो इस पर पार्टी ने विचार किया है, और मुझे लगता है कि पार्टी अच्छी तरह गहन चिंतन कर रही है और क्या और अच्छा हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। मध्य प्रदेश से हैं आप, और मध्य प्रदेश में BJP की भी सरकार रही है, वर्तमान में कांग्रेस का शासन है, एक अभियान चलाया जा रहा है और इसे क्लीन मध्य प्रदेश का नाम दिया गया है, जो कार्रवाइयां हो रही हैं उन कार्रवाइयों को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि BJP ने विरोध भी करना शुरू कर दिया? नहीं, हमने BJP ने कहीं भी इस प्रकार का विरोध नहीं किया, हमारी पार्टी ने शुरू से स्टैंड लिया, और मैंने भी समय समय पे कहा है कि किसी भी माफिया के समर्थन में हम नहीं है, हम माफियाओं के खिलाफ है, चाहे किसी प्रकार का माफिया हो हम उसके खिलाफ है, हम कहीं समर्थन नहीं करते माफिया को, एक बात। दूसरी बात हमने ये भी कही कि टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करना, इसका हम समर्थन नहीं करते। आप माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करिए, पर आप BJP का कार्यकर्ता है उसको परेशान करना, उसके छोटे छोटे अगर कहीं निर्माण कार्य है तो उसको परेशान करना, माफियाओं में और एक छोटे किसी के मकान में और दुकान में अंतर रहेगा ना। तो ये जिस प्रकार से कांग्रेस का प्रशासन काम कर रहा है, मैं बताना चाहूंगा कि ये कांग्रेस के इशारों पे काम कर रहा है। इसमें मुख्यमंत्री से कोई बातचीत हुई हो? नहीं, हम तो थोड़े दिन पहले मिलने ही गए थे,
संभाजी से मिलने गए थे, बाकी लोगों से मिलने गए थे, उन्होंने डर गए या मिल नहीं पाए, उनको मिलना चाहिए था, हमारी बात सुननी चाहिए, हम जनप्रतिनिधि हैं शहर के, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, विधायक है, सांसद है, इनको सुनना चाहिए। उन्होंने सुना नहीं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो उनको लग रहा होगा जवाब नहीं दे पाएंगे इसलिए नहीं सुन रहे। और मुझे लगता है कि मैं फिर आपके माध्यम से दर्शकों को बता दूं, हम किसी भी माफिया के समर्थक नहीं पर पिक एंड चूज छाट छाट के कार्रवाई करने के विरोध में। कैलाश जी ने भी कहा था उनके पास उन लोगों की भी सूची है जो कांग्रेस के नेता हैं, तो क्या बीजेपी आने वाले दिनों में यदि इसी तरह से कार्रवाइयां होती है तो कांग्रेस के नेताओं की सूची सौंपेगी कांग्रेस के मुख्यमंत्री? देखिए, हमने ये कहा कि जिस प्रकार की कार्रवाई आप कर रहे हैं उससे ज्यादा कांग्रेस के नेताओं में अवैध निर्माण हो सकते हैं, कांग्रेस के आप उन पर नहीं कर रहे। अगर आपको आपको लगता है कार्रवाई होना चाहिए तो एक समान होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सूची, अगर बोलेंगे तो केला जी देंगे। अच्छा, उसी दिन एक बयान और कैलाश विजयवर्गीय जी का आया और ये बयान बड़ा ऐसा रहा कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसा लगता नहीं था कि वो बयान देंगे। वो बयान किस थे, आप भी वहां मौजूद थे? नहीं, मैं थोड़ा पीछे था, मैंने सुना नहीं, लेकिन जो चर्चा मैंने समाचार पत्रों सोशल मीडिया में देखी, मुझे लगता था कभी कभी क्या रहता है, एक मुहावरा रहता है और मुहावरा बोलने का रहता है, उन अपनी भावनाओं को प्रकट करने का रहता है। उन्होंने शहर के और हमारे कार्यकर्ताओं के गुस्से का इजहार करा, किसी को मुहावरे के रूप में हम जब कोई बात बोलते हैं तो उसका अर्थ नहीं कि उसका अर्थ वैसे ही निकल रहा है, उसका अर्थ ये भाव ये कि शहर के जनता को इस प्रकार की कार्रवाई का गुस्सा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गुस्सा है। तो उन्होंने ये कहा था कि आज हम गुस्सा पी रहे हैं, नहीं तो गुस्सा में कुछ भी हो सकता है। तो ये उन्होंने ऐसा उसका अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए, जो शब्दों का अर्थ नहीं उसका भाव समझना चाहिए। भाव ये था कि गुस्सा है, गुस्से का प्रशासन को सुनना चाहिए, समझना चाहिए भाव। अंतिम सवाल है और वो ये है कि मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ सरकार है उसका लगातार ये दावा है कि इस एक साल में मध्य प्रदेश ने काफी ज्यादा तरक्की की है। अब इसके दो अर्थ निकलते हैं कि क्या बीते 15 सालों में मध्य प्रदेश ने तरक्की नहीं की या बीते 15 सालों से जो चीजें थी वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ी। आप एक साल को कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले 15 सालों में उसके पहले अगर हम देखें जी, जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे पूरे प्रदेश में बंटा डाल हम सुनते थे और देखते थे किस प्रकार पूरा मध्य प्रदेश गर्क में गया था। शिवराज सिंह चौहान जी ने उस जो मध्य प्रदेश था उसको विकास में जी जान लगा के इतनी योजनाएं ला के उस मध्य प्रदेश को विकसित राज्यों में ले आए और देश में अब मध्य प्रदेश विकसित राज्यों में आने लग गया। पर मुझे बताते हुए दुख है कि जो हमने विकास के काम शुरू किए थे शिवराज सिंह चौहान जी ने, वो लगभग सभी योजनाएं उन्होंने ठप कर दी और ठप करने के बाद उन्होंने चाहे किसान हो, किसान परेशान है, मुआवजे की बात हुई मुआवजा नहीं मिला, अभी किसानों के जब फसल खराब हुई तो फसल का मुआवजा नहीं मिला, कर्ज माफी की बात कर रहे थे कर्ज माफी नहीं मिली, बिजली के बिल हजारों लाखों रुपए में आने लग गए, गाँव की सड़कें जितनी हमारे प्रधानमंत्री सड़क योजना बनी थी उतनी बनी, पीडब्ल्यूडी ने काम बंद कर दिए। हम जब बात करते पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों से या ठेकेदारों से तो बोले सरकार पैसे नहीं दे रही है। तो बिजली हो, सड़क हो, सिंचाई, जहां तक शिवराज सिंह चौहान जी ने विकास किया था वो सिंचाई का मामला था, शहर के विकास की जहां तक बात करें केंद्र सरकार का पैसा तो स्मार्ट सिटी में आ गया, नगर निगम को राज्य सरकार पैसा नहीं दे रही, चुंगी क्षतिपूर्ति जो हमको मिलना चाहिए हमारे हक का पैसा है शहर का वो नहीं मिल रहा है। तो सरकार तो सब जगह विफल रही है, ये सिर्फ एक काम में सबसे आगे रहे हैं देश में और उसकी चर्चा भी सब जगह रहती है और वो ये रहता है कि ट्रांसपोर्ट उद्योग। तो ये थे सांसद शंकर लालवानी जी और निश्चित रूप से जब हम एक जनप्रतिनिधि से चर्चा करते हैं तो कई सारे ऐसे विषय होते हैं जो विषय के इर्द गिर्द उन्हें छूते हुए निकलते हैं और बस यही कोशिश रहती है कि चर्चा इसी तरह चलती रहे, जो जनता के सवाल हैं, जो आम लोगों के सवाल हैं, उन तमाम सारे सवालों के जवाब हम अपने चुने हुए प्रतिनिधि से हासिल कर सके। उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारी खास पेशकश है आपको पसंद आई होगी। फिर इसी तरह के एक विषय के साथ हम इनसे मुलाकात का वादा लेते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।